वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सिंप्लेक्स मेथड को समझेंगे, जो आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो बड़े ध्यान से, पेशेंस के साथ में और बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ में, आप बिल्कुल एकांत में और तरीके से बैठ जाइए और थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। आज की क्लास में आपके जो डाउट्स होंगे कमेंट के थ्रू, आप उन बातों को आप पूछते रहेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड है, आसान है, मैं इसको मुश्किल नहीं कहूंगा। हाँ, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में या फिर ऑलरेडी कुछ वीडियोस वगैरह के थ्रू क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा कि सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व कैसे हो रहा है। और वहां पर जनरली स्टूडेंट के ये भी आया था कि सर समझ में नहीं आ रहा कि सिंप्लेक्स मेथड में चल क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। ये बहुत सारी कंप्लेन, मैक्सिमम 99% स्टूडेंट की कंप्लेन रही है। लेकिन मैं फिर उसके बाद भी मैं ये कहता हूं कि आसान है, अगर आप पेशेंस अपने पास में अगर आप रख करके और एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे और एक के बाद एक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका आसान हो जाएगा। सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि इसके स्टेप्स कॉमन फॉलो करने हैं। बाकी क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो वहां पर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहां पर मुश्किल आ जाती है। बट इसमें आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, एज इट इज का एज इट इज कर देना है। तो यहां पर आप फुल स्कोर कर देते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में लीनियर प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके पास में सिंप्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन है। आपको मेंशन करेगा कि आप सिंप्लेक्स मेथड से आप इसको सॉल्व करें। हां जी स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको हम। आपको है ना, इसमें देखिए ज्यादा इसके मैं थ्योरी में और उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका आपके एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्लियर है? एक एब्स्ट्रेन फंक्शन जिसमें कंडीशंस होती है लेस देन एंड मोर देन, और एक जहां पे जेड जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्लियर है? ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और ये आपका एब्स्ट्रेन फंक्शन होता है। क्लियर है जी? तो सबसे पहले आप अपने सॉल्व करेंगे, और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे, फिलहाल आप इसके प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, इसके स्टेप्स पे ध्यान देंगे कि किस किस तरीके से इसको सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे। हाँ, क्यों है, कैसे है, ये थ्योरी का पोर्शन है, ये बाद में देखेंगे इस चीज को। तो आपको सिंपल लगा कि सिंपलेस्ट मेथड से आप अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। तो आइए कैसे करेंगे आप बच्चे। सबसे पहले जो पहला स्टेप है, मेरे पास में क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, और सॉल्व करूंगा किससे, इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, आपके माइंड में अब क्वेश्चन ये होगा कि सर स्लैक वेरिएबल क्या होता है, किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसको समझिएगा कि ये आपका इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होता है, जब आपके पास में इक्वल्स टू का साइन होता है। इक्वेशन क्या होता है, जब आपके पास में इक्वल्स टू का आपके पास में साइन होता है। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में इन इक्वेशन का आपके पास में साइन है, लेस देन मोर देन। तो मुझे इस इन इक्वेशन को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें यहां पर, क्या है आपके पास में 3x प्लस 3y एंड लेस देन इक्वल्स टू 36 है आपके पास में। क्लियर है जी? तो यहां पर आप देखेंगे कि 30, ये जो आपके पास में 36 से लेस है, तो कुछ ऐड करने के बाद आपका ये इसके इक्वल होगा ना। आप क्या ऐड करोगे आपको पता नहीं है ना, तो एक वेरिएबल अपनी तरफ से आप अज्यूम कर रहे हैं ना, इसी को स्लैक वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पर स्टेप नंबर वन में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। इन इक्वेशन क्या होता है, जिसमें लेस देन मोर देन, ये इन इक्वेशन होते हैं, ये इक्वेशन नहीं होते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है। तो पहला काम है कि मैं इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मुझे मालूम है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन है एंड इक्वल्स टू 36, तो कुछ तो ऐड करने पर ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या ऐड करूं, तो मैंने एक वेरिएबल अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, इसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल कहते हैं। मेरी बात समझे? तो इसी तरीके से आपने आपको सब में करना है ये काम। एक वेरिएबल यहां पर आपके पास में है 5x प्लस 2y, अब जरूरी नहीं कि वही वेरिएबल यहां ऐड करें, कुछ डिफरेंट होगा, होगा वो तो s2 उस वेरिएबल को हम लेट कर लेते हैं। तो क्या हो गया आपके पास में 50, अब इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं,
2x प्लस 6y और प्लस s3 इक्वल्स टू आपका 60 हो गया, क्लियर है जी। और यहां पर आप जो z फंक्शन है आपके पास में, z में आपके पास में क्या है, 20x पहले से ही है, 30y बचे, ये भी पहले से ही है। अब आपके पास में वो वेरिएबल जो बाकियों को दिया आपने s1 s2 s3, वो सभी वेरिएबल की एंट्री जो स्लैक वेरिएबल है, उस स्लैक वेरिएबल की एंट्री अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी करोगे, मतलब z फंक्शन में भी आप करोगे। लेकिन आप अपने मर्जी से अगर आपने यहां पर अननेसेसरी आपने अगर आपने स्लैक रख दिया, स्लैक वेरिएबल को रख दिया, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज कर देगा, इसलिए इसके ऊपर इंपैक्ट न्यूट्रल रहे तो इसको आप जीरो 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 कर दीजिए, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो जितने भी स्लैक वेरिएबल है उसकी एंट्री आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करना है, और इस तरीके से करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़े, तो इसलिए जीरो 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 आपने इस तरीके से कर दिया, क्लियर है। अब अभी तक मेरे पास में जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो एक्स यूज हुआ है, ठीक है, वो वाई यूज हुआ है, और मेरे पास में एस वन यूज हुआ है, और एस टू यूज हुआ है, और मेरे पास में जो वेरिएबल यूज हुआ है एस थ्री वेरिएबल यूज हुआ है। ये सारे वेरिएबल जिसको इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन जीरो हम लिख देंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको स्टेप नंबर वन, तो मैं आपको यहां पर यही समझाता हूं कि आपको स्टेप नंबर वन में पहली चीज आपको ये कर लेनी है, बहुत सिंपल है, कि आपको इन इक्वेशन में लाना है और सभी इन इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल डाल देना, और वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी एंट्री करवा देंगे अपने स्लैक वेरिएबल की, और उसके बाद आपके पास में अब जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के होगा। स्टेप नंबर वन यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, पेशेंस के साथ में देखेंगे, क्लियर है, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आपको आएंगी। अभी आपको जो समझ में नहीं आया तब कमेंट कीजिएगा, बट अननेसेसरी कुछ भी पूछने के लिए कमेंट करोगे तो इस नहीं समझ में आएगा, आपको ध्यान आपका हट जाएगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये समझ में आपको आ गया, मैं कलर चेंज कर लूंगा अपने मार्कर का, जैसे एक स्टेप खत्म होगा सेकंड स्टेप पे सेकंड चीज सोचना है। अब आपको है ना क्या करना है, यहां पर आपको बच्चे यहां पर चार कॉलम आपको बनाने हैं, चार। कैसे? एक का नाम आपके पास में होगा सी जे नाम से, सी जे, क्लियर है। आपके सी जे क्या होगा, एक कोफिशेंट होगा आपका सी जे, बेसिकली कोफिशेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लियर है, या फिर वेरिएबल कोफिशेंट ऑफ वेरिएबल लाइक एस वन एस टू एस थ्री, इसी कोफिशेंट वो क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये याद कर लो, सी जे एबीसीडी का, सी एबीसीडी का जे, ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस सी जे इतना याद कर लीजिए, ठीक है। एक आपके पास में ये स्टेप हो गया, एक स्टेप आपके पास में होगा बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल दूसरा स्टेप, क्लियर है। तीसरा स्टेप आपका होगा सॉल्यूशन, याद करने वाली चीज है, हमेशा हर क्वेश्चन में फिक्स है ये चीजें, क्लियर है जी। और इसके बाद आप यहां पर करेंगे सॉल्यूशन के बाद, ये कितने स्टेप हुए आपके देख लीजिएगा, ये आपका एक स्टेप हुआ बच्चे, ये आपका दो स्टेप हुआ, ये आपका तीन स्टेप हुआ, मतलब कि इस तरीके से। चौथी चीज क्या है इसमें, ये फिक्स है, चौथी चीज आप क्या डालेंगे, चौथी चीज आप वो डालेंगे जो आपके जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जितने भी कॉफिशेंट है उस कॉफिशेंट को लिख डालेंगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, क्या क्या है, 20, 30, 0, 0, 0, बात समझे। क्या करा आपने, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सभी वेरिएबल्स के जो कॉफिशेंट से उसको लिख लेना है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास में, ये आपके पास में चौथी चीज हो गई, बात समझे। ये क्या है, ये किसका कॉफिशेंट है 20, ये x का कॉफिशेंट है, ये किसका कॉफिशेंट है, ये y का कॉफिशेंट है, ये किसका कॉफिशेंट है, ये s1 का, ये s2 का, और ये आपका s3 का। ये पहले आप समझ लीजिएगा जो टेबल बनाने आप जा रहे हैं। जनरली क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा सिंपलेक्स मेथड को, कि टेबल क्रिएट होता है, टेबल कैसे क्रिएट होता है मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू टेबल के लिए ये फोर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्स्ट सीजे एंड सेकंड वन बेसिक वेरिएबल एंड सॉल्यूशन, और उसके बाद आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट है वो, और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के सारे वेरिएबल, किसके ये इसका वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल क्या है, वो सारे वेरिएबल्स आप यहां पे लिख देंगे, क्लियर है जी, समझ गए। पहले यहां तक आप अपने माइंड में चीजें स्टोर करें, यहां तक क्लियर है, मैं जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ूंगा, आप पहले अपने दिमाग में चीजों को रखिएगा, नहीं तो वीडियो भी पॉज करके आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर
आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है बच्चे, अब आपका काम क्या है, अब यहां पर ये एक चीज कर लेने के बाद ये चीज करना है। सेकंड नंबर पे दिमाग में इस चीज को रखना है हमें, ठीक है। थर्ड पे अब सीजे, सीजे फंक्शन में मेरे पास में क्या बेसिकली कि जो आपके पास पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो था इसको आप यहां पर लिखेंगे, जीरो जीरो जीरो, ये सीजे में, ठीक है। और बेसिक वेरिएबल में आप क्या लिखेंगे, जो आपके स्लैक वेरिएबल है उसको लिखेंगे आप बेसिक वेरिएबल में, स्लैक वेरिएबल को रखेंगे आप, क्लियर है। स्लैक वेरिएबल क्या है, एस वन एस टू एंड एस थ्री, क्लियर है स्लैक वेरिएबल को। सॉल्यूशन क्या है, जो इक्वल्स टू में वैल्यू है दिस वन, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बच्चे सॉल्यूशन भी बोलते हैं, दिस वन, क्लियर है जी इसको। तो यहां पर आपके पास में सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या क्या है, 36 50 और 60। यहां तक तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्लियर है कि आपको सीजे में क्या अप्लाई करना है और आपको अपने बेसिक वेरिएबल में आपके जो है स्लैक वेरिएबल और सॉल्यूशन में क्या आपको अप्लाई करना है, ये बात समझ में आपको आया। अब सवाल है इसमें क्या आप अप्लाई करें, एस वन है ना, तो एस वन कहां पर है, यहां पर है ना, एस वन है ना यहाँ पे आपके पास में, दिस वन एस वन है जो देख रहे हो आप। तो एस फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली मैं आपको हमेशा यही रहने वाला, तो फर्स्ट इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट आप लिख डालो, पहला क्या आपके पास में थ्री एंड वाई का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आप लिख डालिए। सीजे में ऑलवेज आपके पास में जीरो जीरो ही होंगे, बात समझ गए, सीजे में क्या होगा आपका ऑलवेज जीरो जीरो ही होगा, जितने स्लैक वेरिएबल होंगे उतने ही जीरो रहेंगे, फिक्स है ये स्टेप नंबर वन में आपका। अब आपके पास में क्या करना है, यहां पर एक्स वाई एस वन एस टू में फर्स्ट वेरिएबल के फर्स्ट इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट लिख लेंगे, तीन तीन, एस वन के आगे क्या है कुछ नहीं है तो वन होगा, बाकी एस टू और एस थ्री जो स्लैक वेरिएबल आपके इक्वेशन वन में है ही नहीं, जो स्लैक वेरिएबल आपके इक्वेशन में है ही नहीं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके इक्वेशन वन में ना तो एस टू है ना एस थ्री है, तो एस टू भी जीरो होगा एस थ्री भी आपका जीरो होगा, बात समझे, क्लियर है। इसी तरीके से आप ये सेकंड आप रो पे आ गए ना, तो सेकंड रो का मतलब आप सेकंड इक्वेशन को उठा लीजिए उसके कोफिशिएंट को, तो पांच दो पांच दो, अब आपके पास में आपका स्लैक वन तो इसमें है ही नहीं तो वो जीरो हो गया, ये स्लैक टू है तो वो वन और बाकी ये भी नहीं है जीरो। इसी तरीके से आप यहां पर आप दो छ दो छे ना तो वन है नहीं टू है ये थ्री है दिस वन, ये आपको समझ में आपको आया या नहीं आया, इसको किस तरीके से आप फिल करेंगे ये बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है भैया, समझ में आया या नहीं आया बताइए जरा, कोई डाउट किस तरीके से इसको आप फिल करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, याला मैं कलर चेंज कर देता हूं ना, इससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी चीज रहेंगी। हां जी फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट कैच कर लो, तीन तीन एस वन है जो है उसका कोफिशियंट वन है, जो आपके पास में स्लैक नहीं है उस स्लैक की वैल्यू जीरो जीरो रिप्लेस करोगे। इसी तरीके से पांच दो पांच दो, एस टू है आपके पास में ये एक होगा जो नहीं है वो जीरो जीरो, और इसी तरीके से आपके पास में दो छे और आपके पास में एस थ्री है तो बाकी दो नहीं है ये वन, मेरी बात समझे, क्लियर है। तो मैंने इसी बॉक्स में मैंने तीन स्टेप पूरे करे हैं, पहला तो मैंने ये देख लिया कि मुझे चार कॉलम्स डिसाइड करा मैंने, एक सीजे, एक बेसिक वेरिएबल, एक सॉल्यूशन और एक मैंने अपने जेड फंक्शन के सारे कोफिशिएंट को लिख डाले और उसके नीचे लिख भी दिया मैंने किसका क्या कोफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेप व्हाइट कलर में देख रहे हो, सेकंड स्टेप मैंने क्या करा, ये हमेशा कॉमन चीजें हैं कि यहां पर आपको जीरो ही रिप्लेस करने हैं, स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में स्लैक वेरिएबल, सॉल्यूशन मतलब जो इक्वल्स टू में वैल्यू है, तो ये येलो कलर वाला काम बड़ा आसान था। ग्रीन कलर वाला काम भी आप देखिएगा कोई टिपिकल नहीं था, इसमें क्या करना है आपको फर्स्ट रो के लिए अब फर्स्ट इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट उठा लीजिए, वो स्लैक वेरिएबल जो आपके इक्वेशन में है ही नहीं उसकी वैल्यू जीरो रिप्लेस कर देनी है, देन ये ग्रीन। तो अभी मैंने यहाँ पर तीन तरीके से मैंने यहाँ पर चीजें बनाई हैं, तीन तरीके चीजें मैंने यहाँ पर की हुई हैं, बड़े आराम से बता रहा हूँ, बड़े बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग कलर भी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपके मन में सब का सब होच पोच नहीं हो जाए, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चे, देखते रहिए एक एक स्टेप क्लियर होते चला जाएगा, करते करते हम आगे पूरे सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग में लगेगा यह थोड़ा ज्यादा लेंथी टाइम कैलकुलेटिव हो रहा है, बट एक बार आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप बहुत क्विकली इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बट फिलहाल अभी तो आपको यहां पर चीजों को समझने की रिक्वायरमेंट है। हां जी
तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं, जेड जे इधर, इसको मैं इसमें नहीं बनाएंगे, ये कहानी खत्म, इसके नीचे लिखेंगे स्लैग वेरिएबल के नीचे जेड जे। अब जेड जे कैसे बनता है, अब जेड जे जैसे कि मुझे यहां पर बनाना है ना जेड जे, यहां पर क्लियर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट से ये मुझे सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मैं भी इरेज भी करूंगा इसको, ठीक है ना, मुझे यहां बनाना है ना, मुझे यहां लिखना है, तो मुझे ये वाले कॉलम मैटर करते हैं मेरे लिए, और सी जे के ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, खैर जीरो फॉर एग्जाम्पल 0 × 36, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 0 × 50, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 0 × 60, और फिर जो भी आपने फर्स्ट का कर रहे हो तो सबको ऐड करके आपको फर्स्ट में देना है, तो खैर क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में जीरो ही आएगा। अगर आप सेकेंड कॉलम बना रहे हो ना, तो आपका क्या होगा, सेकेंड कॉलम के लिए ये फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा जो सेकेंड वाले के लिए, फिर ये आपका सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं फिर से ये चीजें आपको बता देता हूं कि क्या किया हमने, ये समझ में आया आपको, जेड जे, हाँ जी, तो जेड जे के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि क्या रखने वाले हैं आप, क्या इसमें जा रहे हैं ना, तो 0 × 36 प्लस 0 × 50 प्लस 0 × 60, ऑलवेज जीरो ही मल्टीप्लाई, यही वाला मल्टीप्लाई करेगा, पहले फर्स्ट को करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को, प्रोसेस सेम है, पहले सबको मल्टीप्लाई करके इसके पीछे प्लस का साइन, तो क्या आया आपका जीरो। अब यही जीरो फिर जब सेकंड वाले के नीचे वैल्यू निकाल रख रहा, तो सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेगा, खैर सब में आपका क्या आ जाएगा बच्चे, जीरो जीरो और जीरो ही आ जाएगा, जनरली आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये स्टेप ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे ऐसा नहीं होगा जब हम सेकंड टेबल बनाएंगे, टेबल टू, ठीक है, सिंपलेक्स टेबल टू हम बनाएंगे जब, फिलहाल आप ये देखिएगा, ये बात समझ में आई आपको, कि पहले आप ये देख लीजिएगा जेड जे कैसे क्रिएट होता है, ये बात समझ में आपको आई, क्लियर है। अब आपके पास में जेड जे कैसे क्रिएट होता है ये भी देखने की चीज है, और ये आपको समझने की जरूरत है। अब बच्चे हम बात यहां पर किस चीज की करेंगे, या कलर ही रंग ही खत्म हो गया, बताइए अब कौन सा कलर लें, तो ये पिंक के नीचे ग्रीन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, स्काई ब्लू ले चुका है, स्काई ब्लू ले चुके हैं, अब कलर तो ज्यादा दिख नहीं रहे, हाँ हाँ जी बच्चे देखिए, अब यहां पर मैं यहां पर एक चीज इसी के नीचे डेवलप करूंगा, क्या कि सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, अब सी जे माइनस जेड जे क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप इसका तो आपको डैश हमेशा रखना है, क्लियर है। अब देखिएगा सी जे दिस वन, सी जे क्या है, अब सबसे टॉप और सबसे लोएस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सबसे टॉप दिस वन, सबसे टॉप सबसे लोएस्ट की मैं बात कर रहा हूं, बात समझे, सबसे टॉप सबसे लोएस्ट की, पहला वाला डैश। अब देखिए सी जे, तो इसमें सी जे क्या है, यहां पर इसमें फाइंड कर रहा हूं, तो इस वाले कॉलम में देखोगे 20, और आपके पास में जेड जे क्या, जीरो, तो 20 में से जीरो गया, बात समझे, तो क्या आएगा 20, यहां 30 में जीरो गया 30, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो और जीरो, ये बात समझ में आपको आई, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को, ये आपने बना लिया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा आपके टेबल के एंड जब होते हैं, अभी सोचोगे सर आपका टेबल खत्म कब होगा, फिलहाल मेरे सारे स्टेप पूरे अभी फिलहाल तो हो चुके हैं, क्लियर है, लेकिन अभी भी टेबल के मैं एंड करने की अगर मैं बात करूं कि टेबल का यहां पर एंड किस तरीके से होगा, ये बात समझ में आपको आ गया ना, सीजे माइनस जेड जे कैसे होता है, बात करते हैं टेबल के सर एंड कैसे करोगे। बच्चे टेबल का एंड अभी नहीं होगा, टेबल का एंड जब होता है जब आपका सी माइनस जेड जे के सारे एलिमेंट या तो जीरो हो या फिर माइनस हो या जीरो और माइनस में हो, तभी अगर एक भी एलिमेंट हमारा पॉजिटिव में है तो हम फिर एक नेक्स्ट टेबल क्रिएट दोबारा करना पड़ जाता है, क्लियर है जी, मेरी बात समझ गए, कोई डाउट। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बात लिख भी देता हूं प्यारे प्यारे शब्दों में, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सी जे माइनस जेड जे इज जीरो और नेगेटिव, क्लियर है, क्या है कि आपके पास में सी जे और जेड जे का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए,
एवरी एलिमेंट आपके इज जीरो और नेगेटिव होना चाहिए, ओनली देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, ओनली देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। मेरी बात समझे या नहीं समझे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में, अगर आपके पास में ये देख रहे हैं, यहां पर अगर आपके पास में सब कुछ अगर या तो जीरो हो या नेगेटिव में हो, या जीरो नेगेटिव हो, बट आपका कोई भी मोर देन जीरो नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है, क्लियर है। अगर आपके पास में सब जीरो या नेगेटिव है तो आपके पास में ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप यहां से अपना निकाल सकते हो कि आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आपके ऐसा नहीं हुआ तो आपको एक और टेबल की तरफ अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी में काम करना पड़ेगा, पहले आपको उस चीज को समझिएगा। अगर मेरा यहाँ पे हो जाता ना तो मैं रुक जाता, मैं कुछ नहीं करता, कहानी मेरी खत्म हो जाती और भगवान से दुआ करूंगा, उम्मीद करूंगा पेपर में भी आपके साथ में काश ऐसा हो जाए कि आपकी कहानी खत्म हो जाए, जीरो नेगेटिव आ जाए, सॉल्यूशन में सीधा पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है बच्चे, ठीक है। तो अब इसके बाद एक कहानी और ऐड होती है यहां से। इस कहानी को मैं किस रंग से दर्शाऊं आप बताइए, लाल रंग आपको दिख रहा है बोर्ड पर तो बता देंगे मुझे, क्योंकि भैया ये लाल कहानी रच रहा हूं मैं, जो अब रच रहा हूं, बात समझे। इस स्टोरी को कहां से समझेंगे आप, दिस वन, रेड कलर तो देखता हूं मैं खुद, दिख तो रहा है ब्लैक पे रेड, चलो कोई नहीं। हां जी, अब देखिएगा, अब आपको एक काम करना है, अगर आपके पास में ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंची हो तो एक काम कीजिएगा, आप सी माइनस जेड जे में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एक कॉलम पकड़ने वाले हैं, इसमें हम एक कॉलम पकड़ने वाले हैं, किसी कॉलम को पकड़ने वाले हैं, किसको पकड़ेंगे, जो सी माइनस जेड जे में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है ना 30। तो बस बच्चे इस कॉलम को ले लीजिए, इस कॉलम को पकड़ लीजिए, मत जाने दीजिए, दिस वन, क्लियर है। इस कॉलम को पकड़ लो, क्यों पकड़ा इसी कॉलम को बाकी कॉलम को छोड़ करके, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू सी जे माइनस जेड जे का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उस कॉलम को हम कैच कर लेते हैं, क्लियर है। और इस ये बात की कॉलम कहेंगे इसको, हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम की कॉलम कहेंगे, मेरे पास में जगह नहीं है, अगर इसको मैं घुस घुस के लिखूंगा तो बड़ा वो इरिटेटिंग हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पे, नोट कर देते हैं, मैं फ्री बोल देता हूं कि इसको हम बोलते हैं की कॉलम, बात समझे, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर एक रेशो फाइंड करना है, की कॉलम पकड़ने के बाद आप रेशो फाइंड करेंगे। अब रेशो कैसे फाइंड करेंगे, मैं ज्यादा उधर घुस जाऊंगा तो भी समस्या तो है नहीं, रेशो के बाद तो कुछ कॉलम बनना नहीं है। हाँ जी, तो अब क्या करोगे आप यहां पर एक रेशो फाइंड, मैं रेड कलर के बाद वाला स्टेप बता रहा हूं क्या है, रेड कलर से मार्क करके आप एक अपना यहां से लिख देते हैं रेशो, रेशो फाइंड करेंगे। रेशो कैसे फाइंड करेंगे, अपने सॉल्यूशन को अपने की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 36 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आया 12, पेपर में आपको नीड नहीं है लिखने की। 50 डिवाइडेड बाय 2 25 अपने सॉल्यूशन को क्या करोगे आप की कॉलम से डिवाइड करोगे, 60 डिवाइडेड बाय 6 तो क्या आया आपका 10 आया। मेरी बात समझे, क्लियर है भैया, ये बात समझ में आया आपको, रेशो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, रेशो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये बात समझ में आपको है। अब देखिएगा आप रेशो किस तरीके से कैलकुलेट आप करेंगे, यहां पर रेशो तो हो गया कैलकुलेट, बट रेशो में जो लीस्ट वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू आपकी क्या है, अब आपको उसको कैच करना है। हमें एक कॉलम चाहिए होता है और हमें एक रो चाहिए होता है, मैं बाद में बात करूंगा इसकी, दोबारा से रिपीट करूंगा। तो फिलहाल आपको क्या चाहिए यहां पर, अब आपको मैं तो अभी लाल रंग से ही खेल रहा हूं अभी तक तो, ठीक है। यहां पर आपके पास में जो लीस्ट वैल्यू है रेशो में, उस लीस्ट वैल्यू को आप कैच कर लीजिए, दिस वन, ये देखिएगा ये कैच कर लिया। मैं फिर से बता देता हूं बच्चे, जो आप यहां पर देख रहे हैं इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा की कॉलम, और इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं की रो कहूंगा, मेरी बात समझे। लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट जो की कॉलम और की रो दोनों में ही आ रहा हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या जो दोनों में ही आ रहा है, बताइए जरा, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों में ही आ रहा है, बताइए जरा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में ही आ रहा है, जो की रो और की कॉलम में भी आ रहा है, की कॉलम एंड की रो में भी आ रहा है,
दिस वन सिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम की एलिमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? की. आप मत लिखना पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, की एलिमेंट बोलेंगे. बात समझे? क्लियर है? तो भाई साहब अगर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब सी जे माइनस जेड जे की वैल्यूज नेगेटिव हो या फिर जीरो हो. बट ऐसा देखने को नहीं मिला, सारी वैल्यूज होनी चाहिए एवरी एलिमेंट्स. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको एक लाल खेल खेलना पड़ेगा. बात समझे? समझे? क्लियर है? वो आपका जो है खूनी खेल शुरू हो जाता है. कहां से? आप अपने फिर सी जे और जेड जे में से एक कॉलम को पकड़ना पड़ेगा. एक कॉलम को पकड़ोगे जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, और ये कॉलम आपको सॉल्यूशन को डिवाइड करके आपको रेशियो दे देगा, और रेशियो में से जो लीस्ट वैल्यू होगा ये आपको रो दे देगा. जो वैल्यू कॉमन होगी वो आपके पास में क्या दे देगा? की एलिमेंट दे देगा. तो यहां पर आपको समझने में आया होगा कि जब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में नहीं पहुंचने के बाद आप बेसिकली एक कॉलम और एक रो आप डिसाइड कर पा रहे हैं. कॉलम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? बहुत आसान है. सी जे माइनस जेड जे में से जो आपका हाईएस्ट था उसने कॉलम बता दिया, उसको सॉल्यूशन को आपने उससे डिवाइड करा तो रेशो आया, देन रेशो में से जो लीस्ट था उसने आपको रो पकड़ के दे दिया. ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई आप ये बता दीजिए पहले, हाँ या ना में बता दीजिए. हर चीज को मैं अलग तरीके से, एक टेबल में एक ही चीज नहीं है, टेबल में बहुत कुछ है कि फर्स्ट फेसिस पे क्या करना है, व्हाइट कलर. क्लियर है जी? मैंने क्या क्या यूज करा है मैं आपको बता देता हूँ. आपको कभी भी देखना हो, समझना हो, तो क्या क्या करा अभी तक मैंने, मैंने सबसे पहले व्हाइट कलर का यूज किया. क्लियर है? और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने येलो कलर का यूज किया. क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, फिर येलो कलर के बाद मैंने ग्रीन कलर का यूज किया. क्लियर है? और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने, ध्यान रखिएगा, मैंने पिंक कलर का यूज किया. मेरी बात समझे नहीं समझे? फिर पिंक कलर के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने व्हाइट कलर का यूज किया. क्लियर है? अब व्हाइट कलर से बात नहीं बनी तो फिर मैंने खूनी खेल शुरू कर दिया, रेड कलर, जिससे कि मुझे एक रो और एक कॉलम निकालना था. कॉलम मैंने इसके हेल्प से निकाला, रो मैंने इसके हेल्प से निकाला. अब आप देखिएगा, कभी भी आप इस टेबल को देखोगे ना, तो आप सबसे पहले आप देखिएगा डब्ल्यू कैसे क्रिएट हुआ. आप देखेंगे कि भैया ये येलो वाला फेसिस कहां से सर लेकर आए. कभी भी देखने वक्त में आप इस तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल को देखेंगे. क्लियर है? बात समझ गए जी? भाई सारे स्टेप मैं रिपीट करूं, उससे बेटर यह है कि आप अपने क्लासेस की लाइव क्लासेस को थोड़ा सा टच करो उसको और पीछे ले जाओ, अपने आप सब कुछ रिपीट हो जाएगा आपका. क्लियर है जी? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए. अगर आपने क्लासेस को बीच में ज्वाइन किया तो फिर मैं रिपीट करके अननेसेसरी बाकी बच्चे जो है फिर वो बोर हो जाएंगे या तो सो जाएंगे. ये क्लियर है जी? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े. अभी आपको लास्ट में पता लगेगा कि आप मैक्सिमम वैल्यू यहां से किस तरीके से आप निकालेंगे. क्लियर है? सारा पैटर्न होता है, सब कुछ होता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है सिंप्लेक्स मेथड से. क्लियर है? आप ये मत लिख देना कॉम्प्लेक्स मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है बेटा, सिंप्लेक्स मेथड है. ठीक है? हाँ, तो इससे आपको एक पैटर्न और एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर है? अब एक एक एलिमेंट्स कहां से आए, थ्योरी का सेक्शन है. ठीक है ना? जिस मैथमेटिशियन ने इसको बनाया, क्रिएट करा, इस स्ट्रक्चर को लगाया, वो उसकी अपनी अपनी कहानी है. हाँ जी, बात अभी खत्म नहीं होती है, बात अब यहां से शुरू होती है. बात समझे? अब इतना मुश्किल सोचोगे, इतना टफ सोचोगे तो बात नहीं बनेगी. अब कहानी फिर से शुरू होती है, फिर से वही खेल खेलना है हमें, दोबारा से टेबल का एक व्हाइट कलर वाला गेम खेलना है, सफेद रंग वाला गेम दोबारा से खेलेंगे. तो सफेद रंग में क्या भरने वाले हम, सफेद कलर में हम जो है सी जे बेसिक वेरिएबल ठीक है. और इसके बाद हमारे पास में बेसिक वेरिएबल के पास हमारे पास में सॉल्यूशन. क्लियर है? वही सेम जेड के जो हमारे वही सेम चीज है, व्हाइट वाला कॉपी पेस्ट हो जाता है. 20 30 0 0 0 20 30 0 0 0 x, ये हर टेबल में चीजें कॉमन जाएगी, व्हाइट फ्रेम हर टेबल में कॉमन जाएगा. एक्स वाई एस वन एस टू और आपके पास में एस थ्री.
ठीक है, हर टेबल में ये व्हाइट फ्रेम कॉमन जाएगा, किसी टेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में यहां पर जिसका क्या रोल था आपके पास में की एलिमेंट का, एक बात हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि की एलिमेंट के सामने वाला स्ट्रक्चर दिस वन, की एलिमेंट ब्लू कलर से करा था ना मैंने, की एलिमेंट सिक्स है ना, इसके सामने वाला ये चीज आपकी चेंज होने वाली है। बाकी तो आप येलो कलर पे काम कर रहे हो ना, अभी आप अपने येलो कलर पे ही रहे हैं, आप इसको मत फिल करें अभी, सिर्फ ये दो चीजें फिल करें, ये चेंज होगा। मैं पहले इसको इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये एज इट इज सेम रहने दो बाकी दोनों को, इस रो की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसके रो बदल जाएंगे, की एलिमेंट का रो बदल जाएगा, की एलिमेंट का स्टार्टिंग का रो वाला ढांचा बदल जाएगा, की एलिमेंट का स्टार्टिंग वाला रो बदल जाएगा। आप बदल तो दोगे, क्या लिखोगे इसकी जगह पर, तो की एलिमेंट के कॉलम वाले सामने वाला वो लिख देंगे। मैं फिर से अभी सारी बात छोड़ो यार, इतना नहीं, की एलिमेंट के सामने वाले को अवॉइड करना, बाकी भर दो जीरो जीरो। हाँ ये रहा, येलो कलर लेते हैं भैया, क्या जीरो, ठीक है, और बेसिक वेरिएबल आपके पास में एस वन जीरो, बेसिक वेरिएबल आपके पास में यहां पर एस टू। हाँ की एलिमेंट के, की एलिमेंट अगर यहां पर होता ना यहां पर, तो इसके सामने वाला मैं चेंज कर देता, बाकी दोनों को सेम रखता। की एलिमेंट अगर मेरा ये होता ना, तो बस इसको छोड़ के मैं बाकी दो को सेम लिखता, मेरी बात समझे। अब भाई साहब की अब यहां क्या लिखे, दिस वन थर्ड, क्योंकि की एलिमेंट का जो है ये वाला चेंज होगा, किससे चेंज होगा, की एलिमेंट के सामने टॉप पे, टॉप से स्टार्ट करेंगे, सबसे टॉप पर क्या है, 30 और वाई है, तो बस यहां पर इसके जो है सामने वाला लिखा जाएगा कौन सा, 30 और वाई, मेरी बात समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, 30 और वाई। और एक काम और करना है कि आप इन सब को ये छह गड़ा गड़गड़ा गड़गड़ मतलब फायरिंग करेगा अपने सब प्रो को, सबको डिवाइड करेगा, ये 60 को डिवाइड करेगा अपने में, सबको डिवाइड कर देगा ये। पहले आप इसको बना लिया करो प्यार से, ये कैसे बनेगा अगले टेबल में, बहुत आसान है कि आपके की एलिमेंट के सामने वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका हट जाएगा, इसके सामने वाला स्ट्रक्चर जो 30 वाई है ये लिख देंगे हम, और इसमें एक चेंजेस आ जाएंगे कि की एलिमेंट अपने सबको इवन खुद को भी डिवाइड करता हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा ये 6। तो 6 यहां पर 60 को डिवाइड करेगा, 6 यहां पर 60 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये येलो कलर में हमने भरा था ना, देख लेता हूं, ग्रीन कलर में आ गया था हमारे पास में, है ना, कोई बात नहीं, यहां से चेंज करते हैं। हां जी, तो आपके पास में क्या है, ये 6 पहले 60 को डिवाइड करेगा, तो 660 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, दिस वन, यहां पे ये फिल करोगे, 660 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं यार फिर भी, 60 डिवाइडेड बाय 6 क्या आया, 10 आया, मेरी बात समझे, कैसे करना है आपको ध्यान रहेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो है यही 6 फिर 2 को डिवाइड करेगा, फिर 6 डिवाइड करेगा 2 को तो क्या आएगा, 3 आएगा, सॉरी 2 को डिवाइड करेगा ना तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, मेरी बात समझ गए, तो डायरेक्ट लिख देता हूं ना मैं यहां पे, क्या सॉल्यूशन पे, पहले वाला 60 डिवाइडेड बाय 6 10, 2 डिवाइडेड बाय 6 1/3, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 0 डिवाइडेड बाय 6 0 0, 1 डिवाइडेड बाय 6 1/6, मेरी बात समझे, क्लियर है, बात समझ रहे भैया, आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्लियर है, नहीं तो फिर बड़ी हालत खराब है इस YouTube पे इस टॉपिक को लेकर के, सबसे ज्यादा हालत बच्चों की खराब है और उसके बाद हालत टीचर की खराब है। हाँ जी, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब मैं आगे बात करता हूं कि यहां पर अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम कर रहना है, बस एक छोटा सा काम करना है, आप इसको भरने की इच्छा रखते हो ना कि यार यहां पर क्या फिल होगा, यहां पर क्या फिल होगा, पीछे देख लो पीछे क्या है, भर मत देना भी, रुक जाओ, पीछे क्या है आप पीछे देख लो ना, यहां पर क्या है पीछे, S1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, दिस वन फर्स्ट वाले के लिए क्या है पीछे, 36331 00, 36331 00 क्या है, रफ में काम कर रहा हूं, टेबल से कोई लिंक नहीं है इसका, मैं रफ में काम कर रहा हूं भाई यहां करके, ठीक है, क्या है 36331
एक जीरो जीरो, यही है पहले वाले का, 36 3 3 1 0 0, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सब में से माइनस करना है, दिस वन सब में से माइनस करना है, क्लियर है जी। अब क्या माइनस करना है, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, वैसे मुश्किल है ये, लेकिन मैं दैट इजी वे में बता रहा हूं क्या माइनस करना है। जो आपने ये हरे कलर का जो भी बनाया है इसको उठा के माइनस करना है आपको, क्या आपको 10 1/3 1 0 0 1/6, लेकिन इनको पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई किससे करें, आपके पास पे आइए जरा, आपने जो अपना कॉलम बनाया था पहले वाले में, उस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 3 था, तो सारे 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो सारे मल्टीप्लाई किससे होंगे, 3 से, सारे मल्टीप्लाई बाय 3 से, सारे मल्टीप्लाई बाय 3 से, सारे 3 से, 3 से, 3 से। अब ब्रैकेट बंद करो और जरा सॉल्व करो, क्या आया, 36 - 30 6, 3 - 1 2, 3 - 3 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, और 0 - 1/2 -1/2, ये आपका आया, क्लियर है जी। बात समझ गए, बस भर दो, भर दो भैया, कहाँ S1 में क्या भरोगे, सॉल्यूशन से भरोगे आप, क्या ऑरेंज कलर में डाल देते ना, क्या हुआ है ना, जो बनाया था हमने, क्या था हमारा 6 2 0 1 0 -1/2, क्लियर है जी, तेरी बात समझे। अब दूसरे वाला कैसे बनाएंगे, वो भी ऐसे ही बनाएंगे मेरे भाई, पहले दूसरे वाला क्या था देख लो, क्या था दूसरे वाला, 50 5 2, क्या था, कहां लिखूं, क्या था दूसरा वाला, 50 5 2, 0 1 0, यही था क्या, चेक करो जरा, 50 5 2 0 1 0, यही था, ठीक है, वो लिख दिया मैंने एज इट इज, पहले की तरह सब में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, वही माइनस होगा जो अभी आपने माइनस करा, क्या माइनस करा आपने, 10 1/3 1 0 0 1/6, 0 0 1/6, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपने कॉलम बनाया ना उसके फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हो आप, अब इसका सेकंड एलिमेंट यूज करोगे 2, दिस वन। मैं ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूं, आपका पहले क्वेश्चन मैंने लेंथी ले लिया है, मैं लेंथी तो नहीं आगे, ताकि आपको आसान हो जाए, मैं एक करवा दूं पेपर में कुछ और लेवल का आ जाए, फिर आप प्रोसेस फिर मुझसे पूछो, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन को लिया है। अब आगे जो बताऊंगा वो तो आपका फटाफट हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा मेरे पास पे, 10 और 20 क्या आ गया, 30, 50 में से आपका 5 में से आपका क्या हुआ, 2/3 माइनस हुआ, तो 15 - 2 13/3। अब सॉल्व करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, एंड 1 में से आपका 0 गया 1, और आपका 0 ये 1/3, तो माइनस का 1/3 आया। चलिए सॉल्व करते हैं, अब इसको भी भर देते हैं, किससे क्या रहा हमारे पास में, 30 हमारे पास में रहा, 13/3 हमारे पास में रहा, 0 0 0 0, और हमारे पास में रहा 1, और रहा -1/3। ये बात आप पहले समझ लीजिए, ये दो काम आपको कर लेना था, ये दो तीन बस में तीन ही बात था नए टेबल में, एक तो आपके पास में क्या था कि एक आपका पास में वो जो आपके एलिमेंट की एलिमेंट के सामने वाले को रिप्लेस करना था, और वो अपने आप को डिवाइड करके सारा बना लेगा बस, फिर बाकी के दो कैसे बनेंगे, एज इट इज लिख करके माइनस कर देना है, दिस वन एंड मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सेकंड वाला भी बन के फिल कर देना है, इसके बाद का प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है, सेम वही प्रोसेस आपके पास में रहने वाला है, क्लियर है जी। कोई डाउट है तो प्लीज जरूर पूछेंगे आप, कोई डाउट अगर आपको है तो आप बच्चे जरूर पूछेंगे, क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है मेरे लाल, आपको वही काम करना है क्या, कि आपको एक जो है जेड जे कॉलम बनाना है, जेड जे कॉलम कैसे बनता है, चलिए जेड जे कॉलम कैसे बनेगा, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 0 इसमें बना रहे ना सब मल्टीप्लाई, 0 0 300, सबको ऐड करोगे तो 300 ही रहेगा ना आपका यहां पर,
कैसे करा है मैंने, 0 × 6, 0 × 30, 30 × 10, और फिर ये आपस में क्या होंगे, प्लस, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या हुआ, 300 हुआ ना, क्लियर है। इसी तरीके से आप जीरो खत्म, जीरो खत्म, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10, जीरो खत्म, जीरो खत्म, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30, और ये जीरो खत्म कर देगा, जीरो खत्म कर देगा, ये जीरो ही रहा। उसी तरीके से ये भी आपका जीरो रहा, और यहां पर जीरो, और आपके पास में क्या रहा, आपका ये 5 रहा। बात समझे नहीं समझे? अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर एक काम करेंगे कि आप सी जे माइनस जेड जे का काम करेंगे, ठीक है, दिस वन सी जे माइनस जेड जे। अब सी जे फर्स्ट, तो आप ऑलवेज डैश रहता है आपका, ये टॉप और लोएस्ट की बात कर, 20 में 10 गया 10, 30 में से 30 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, क्लियर है जी, और 0 में से 5 गया -5। बात समझे भाई साहब? काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट हमारे जीरो हो गए हैं और या फिर माइनस में हो गए, लेकिन एक ऐसा, ये भाई साहब इसकी वजह से मुझे एक टेबल अब और बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन जीरो कोई वैल्यू हमारे पास में नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, टू से मल्टीप्लाई जेड जे कैसे आया, ठीक है, और टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, दो बातें हैं बच्चे। फर्स्ट टाइम पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था इस एलिमेंट का, और जब हम सेकंड वाला डिसाइड करेंगे 2 से, अगर थर्ड भी हमारे पास में होता, मान लो एक और वेरिएबल होता हमारे पास में, तो मैं 6 से फिर उसको मल्टीप्लाई करता, तो पहले 3 से फिर 2 से, ऐसे नीचे चलता हो चलता है। अब ये सवाल है कि जेड जे कैसे आया, तो कैसे आएगा, आप इसके नीचे वैल्यू रिप्लेस करना है, तो आपको फर्स्ट को और इसको सबको मल्टीप्लाई पहले करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तीन रिजल्ट आएंगे, तीनों का सम करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, उसका सम करो, बट जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो देगा, जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो देगा, ये मल्टीप्लाई करके 10 देगा, तो सम कर करके आपका 10 ही रहेगा, ऐसे करा है हमने। बात समझे, क्लियर है जेड जे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आपके पास में फिर से मैं वही बात आपसे कहूंगा बच्चे, कि आपको क्या कामयाबी हाथ लगी है अभी तक, बताइए? आपको कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट, एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सी आई माइनस जेड ए इज जीरो और नेगेटिव फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बट ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि भैया फिर से आपको खूनी खेल खेलना पड़ेगा यहां पर, क्या, कि जो आपका हाइएस्ट वैल्यू है उसको वो कॉलम बना देगा आपको, दिस वन, क्लियर है जी, हाईएस्ट वैल्यू कॉलम बना देगा। अब आपको यहां पर फिर कॉलम बनेगा तो रेशो भी आएगा, आइए लिखते हैं फिर भैया रेशो, रेशो, और क्या करेगा ये सॉल्यूशन को डिवाइड करेगा, 3 सॉल्यूशन को डिवाइड करेगा, तो 13/3 हो जाएगा, तो 90/3 13 हो जाएगा ये आपका, है ना, 30/13, तो 30/90/13, ठीक है, और ये डिवाइड करेगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मेरी बात समझे? तो इसमें लीस्ट वैल्यू और तो कुछ है नहीं है, तो ये तो नहीं, सिर्फ हम यही देखते हैं, ठीक है ना, यहां निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम बस ये जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ये तो एक्स्ट्रा है, बेसिक वेरिएबल तक ही निकालते हैं, ये सारे हम नहीं निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या, दिस वन, तो ये आपके पास में लीस्ट वैल्यू आ गई है, ये पहले आप देख लीजिए। अब आप बच्चे ये देख लो पहले, क्लियर है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में ये आपके पास में मेन रोल में रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से आपको यहां पर एक कॉलम और बनाते हैं, उसका व्हाइट वाला सेक्शन जो है रहने वाला है, आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 3 टेबल आपके बनेंगे, कोई 4 या 5 टेबल नहीं बनता है, 2 टेबल में ही आंसर आ जाता है, अदरवाइज 3 टेबल में तो फाइनल आंसर आ ही जाता है आपका, ठीक है ना। तो आपका ये लास्ट टेबल है, इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, आप अपने पहले 4 चीज डिसाइड कर लीजिए, 4 चीजों के लिए कौन सा रंग रंगा था हमने भैया पहले से, अभी शुरू से अभी तक, हाँ वाइट कलर ले रहे हैं, चलिए, क्या सी जे बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल सी जे बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये तो हर हर में किसी में सेम रहता है, 20 30 0,
20, 30, 0, 0, 0 और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये x का रहा, ये y का रहा, ये s1 रहा, ये s2 रहा और ये आपका s3 रहा। क्लियर है जी। अब आपको यहां पर सबसे पहले कि भैया एक कॉलम तो आपका चेंज होने वाला है, कौन सा कॉलम चेंज होने वाला है, आपके पास भी की एलिमेंट के सामने वाला कॉलम, ये सामने वाला कॉलम आपका चेंज होने वाला है। क्लियर है। तो की एलिमेंट के रेशो वाला, कि रेशो कैसे आया, आप बच्चे अपने सॉल्यूशन को अपने इस कॉलम से डिवाइड कर देंगे ना, 6 / 2, 30 / 1, तो आप अपने जो की कॉलम है सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड करके आप रेशो निकालते हैं। क्लियर है जी, बात समझे कि 30 / 2 / 1 तो इस तरीके से आपके पास में आएगा। हाँ जी, तो मैंने यहां पर क्या कहा था कि आपके पास में क्या चेंज होने वाला है, यहां पर एक चीज चेंज होने वाली है, कौन सी, जो की एलिमेंट के सामने वाला है ये दिस वन, ये चेंज हो जाएगा यहां से। क्या चेंज होगा यहां से आपके पास में, इसके जो सामने क्या है, दिस वन, मेरी बात समझे, ये वहां जाके चेंज होगा ये, और इसके सामने, इस बातों को ध्यान रखिएगा, अगले टेबल में चेंज जाएगा, ये 20x लिखा जाएगा इसकी जगह पर, क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पर, 20x, मेरी बात समझे, 20x, और क्या होगा फिर आपका, ये 20x आपका यहां पर लिखा जाएगा, फिर ये 2 अपने आप में सबको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा 3 और 1, 0, 3, 1, 3, 1, 0, मैंने क्या करा, पहले की तरह ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत हुई भाई। सर वैसे ये चैप्टर कब खत्म होगा, मैं तो अभी कह देता हूं खत्म हो गया आपके लिए, लो मान लो खत्म हो गया, अरे नहीं पढ़ना तो नाम कटवा करके यार, अपने जो चीज सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, क्वेश्चन करने को मिलेगा उसी से, भाई नहीं खत्म कब होगा, तो खत्म ही करना है तो भैया हटाओ नाम कटवा करके, अपने घर बैठिए कोई काम वाम कीजिए, फालतू में क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि जब मैं आपको मैट्रिक्स करवा रहा था तब लगातार बोल रहे थे मैथमेटिक्स डे वन ही, मैथमेटिक्स फाइनेंस कब होगा, मैथमेटिक्स फाइनेंस कब होगा, मैट्रिक्स तो पढ़ा नहीं, फिर मैथमेटिक्स फाइनेंस पे आया, फिर मैथमेटिक्स फाइनेंस करवा रहा था तो सर आप लीनियर प्रोग्रामिंग करवाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग कब पढ़ पाएंगे, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहा हूं तो फिर सर सिंप्लेक्स मेथड करवा दो, सिंप्लेक्स, अब जब सिंप्लेक्स मेथड करवाने लग गया तो सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, यार हद हो गई। हाँ जी, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके लिख दीजिए इस चीज को, क्योंकि लगातार आप हैंड रेस करेंगे तो फिर उससे क्लासेस में नॉइस क्रिएट होगी। लो हाँ, अब आप कमेंट ही कर पाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो अब आपको ने क्या करा, यहां पर 20 आपके पास में आया, 20 आपके पास में आया x, और आपने फिर क्या करना होता है, क्योंकि आपके पास में की एलिमेंट 2 था तो इसके सामने वाला चेंज हो जाएगा इसके सामने वाले से, और रो चेंज हो जाएगा इसके कॉलम वाले से, तो 20x यहां लिख दिया, अब ये 2 अपने आप सबको डिवाइड करेगा, तो 6 को डिवाइड करेगा 3, 2 2 को डिवाइड करेगा 1, ये 0, 1 बटा 2, 0, 0, 1 बटा 2, 0, अब 2 यहां पर इसको डिवाइड करेगा तो 3 बटा 2। क्लियर है जी, बाकी तो दोनों का तो सेम ही रहेगा जो पीछे आपने बनाया था, क्या था आपके पास में पीछे, 0s2 30y, 0s2 30y, अब अंदर का कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, जैसे पहले हमने क्रिएट करा था ना वैसे तो बनेगा बच्चे, क्या हमें सेकंड वाला चाहिए, तो पहले सेकंड वाले में क्या है, पहले सेकंड वाले में क्या है, तो पहले अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले में आपके पास में क्या है कि आपके पास में 30 13/3 0 0, क्या है आपके पास में 30 13/3 0 0, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला 30 13/3 0 0, 1 - 1/3,
एक माइनस एक बटा तीन, यही है एक माइनस एक बटा तीन। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सब में से माइनस करना है, सब में से माइनस करना है, कौन सा, ये ग्रीन वाला जो पहले सिखाया था मैंने, तीन एक जीरो एक बटा दो जीरो तीन बटा दो, अब यहां पर देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पे, तो मल्टीप्लाई अगर आप यहां पे करते हैं बच्चे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले की तरह ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, अब मल्टीप्लाई किससे होगा सवाल ये है। तो आपके पास जो कॉलम है दिस वन, जो कॉलम के आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, टू है, तो ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो सबको मल्टीप्लाई किससे, टू से टू से टू से टू से टू से टू से, बात समझे, जो आपके पास में की कॉलम है उसके एलिमेंट से सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 13/3 था ना आपका उस कॉलम का, पहले वाले कॉलम का, अच्छा ये की एलिमेंट को छोड़कर के आपके पास में है ना दिस वन, क्योंकि अच्छा फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है 13/3 से, क्योंकि फर्स्ट वाला डिसाइड कर रहे हैं ना, तो इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। आ जाओ तीन मल्टीप्लाई भाई, क्या है हमारे पास में, इसको सेकंड वाला फाइंड करें, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 13/3 से, 13/3 और 13/3, क्या रिजल्ट आ रहा है, तीन काटेंगे 13 और आपके पास 17, क्या आएगा आपके 13 13 जीरो, यहां पर आपके पास में जीरो, यहां पर आपके पास में माइनस 13/6, यहां पर आपके पास में एक, और इधर माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 39/6, सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, माइनस 2 माइनस 39, तो माइनस 41/6 माइनस 41/6, क्लियर है जी, माइनस 1/4 था नहीं, 13/3 एक, 13/6 17 0 0 17 0 0 13/6 एक, और 41 3/4 तो 13/ 3, क्या आपके पास में यहां पर माइनस 1/3, ठीक है माइनस 1/4 नहीं होगा, ये आपका 3/2 ही होगा, चलो कोई नहीं आप इसको लिख दो, कितना है मेरे पास में माइनस 41/6, तो आप लिखेंगे इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे सेकंड वन को किससे, 17 0 0 13/6 एक, और 41/6 माइनस का, ठीक है। अब अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, आप थर्ड आपको फाइंड करना है तो थर्ड वाले का आप एलिमेंट ले ले, थर्ड वाले एलिमेंट क्या आपके पास में दिस वन, तो 10 1/3 थर्ड वाले एलिमेंट अगर आप लेंगे पिछले वाले में से, तो क्या आपके पास में 10 1/3 एक, दस एक बटा तीन एक, 0 0 1/6 0 0 1/6
सब में से आप माइनस करोगे, और किसको माइनस करोगे, जो आपने यहां पर फाइंड करा है पहले, तीन एक जीरो, एक बटा दो जीरो, तीन बटा दो, और मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आप फाइंड कौन सा कर रहे हो, आप इसका फाइंड कौन सा कर रहे हो, इसका थर्ड फाइंड कर रहे हो ना, थर्ड, तो इसके इस कॉलम में आ जाइए, थर्ड फाइंड कर रहे हैं, थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ये इससे पता लगता है हमें, 1/3 1/3 1/3 एंड 1/3 1/3 1/3 दिस वन, सॉल्व करेंगे तो एक, तो ये आपका 9 आ गया, सॉल्व करेंगे तो 1/3 - 1/3 जीरो हो गया, एक ये आपके पास में माइनस जीरो एक होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 1/3 और 1/6, तो -1/6 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस में ये आपके पास में हो गया माइनस 0 ना, 0 हो गया, ये 1/6 - 3/6, तो 1/6 - 3/6, 1/6 - 3/6, तो -2/6, तो -1/3, तो -1/3 दिस वन। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या रहेगा हमारे पास में, 9 0 1 -1/6 और 0 - 1/3। चलिए अब आप क्या निकालोगे यहां पर, अब आप निकालोगे जेड जे, अब आप जेड जे यहां पर अपना कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो जेड जे आपका किस तरीके से निकलेगा, दिस वन, ये मल्टीप्लाई करोगे 60 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 0, ये मल्टीप्लाई करोगे 270, तो 330, उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करोगे आप 20 0 0, तो ये क्या रहेगा आपका 20, और यहां पर 0 0 30, और इस तरीके से आप तो, क्या आ जाएगा आपके पास 21/2 10 0 और ये 1/6, तो ये माइनस हो जाएगा ना आपके पास है 5, तो क्या है आपके पास है 5, क्लियर है। और इसी तरीके से आप यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये तो आपका 0 हो गया, ये भी इसने आपका 0 कर दिया, यहां भी 0 कर दिया, 0 हुआ, दिस वन डिवाइडेड बाय 2 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 30, और ये 0 हो गया, और ये 3 माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास में 20, क्लियर है जी, समझ गए। तो क्या करते हैं हम, कैसे निकालते हैं जेड जे, पहले से बता रहा हूं मैं आपको जेड जे कैसे निकालेंगे आप, तो आप फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको एडिशन कर देंगे, इस तरीके से निकलेगा आपका। और अब आप यहां देखते हैं कि आपके पास में सी जे माइनस जेड जे, लास्ट स्टेप चल रहा है वही सब चल रहा है आपका, तो पहला वाला डैश रहेगा, देन आपका 20 में से 20 गया आपके पास में 0, 30 में 30 गया आपके पास 0, 0 में से आपके पास में 5 गया, क्या है माइनस 5, 0 में से आपका 0, 0 में से क्या गया माइनस 20, सारे या तो नेगेटिव है सारे या तो 0 है, तो आपका जो है आप, अब आगे आसान रहेगी चीजें, क्योंकि मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन करवाए हैं, आगे 2 वाले आसान रहेगा। अब जब आपके पास में आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे आप पहुंच जाएंगे यहां पर, ये क्या आपका कि यहां पर आपके पास में एवरी एलिमेंट्स ऑफ सी जेड सी जे माइनस जेड जे इज 0 और नेगेटिव, देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम आ चुका है और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आपके पास में एक्स और वाई दो वेरिएबल आपको पूछ रहा है, तो एक्स का जो है सॉल्यूशन क्या है 3, और जो है वाई का सॉल्यूशन क्या निकल गया है 9, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 9 है आपके पास में, क्लियर है। तो क्या हो गया आपके पास में एक्स की वैल्यू 3 सॉल्यूशन में, वाई की वैल्यू आपके पास में 9 हो गया। अब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो मैक्सिमाइज के लिए 20x प्लस 30y था, 20x प्लस 30y ये आपका जेड फंक्शन था जिसको आप मैक्सिमाइज करेंगे 20 एंड x की वैल्यू 3 और 30y की वैल्यू आपके पास में 9, तो जेड इक्वल्स टू आपके पास में 60 प्लस आपके पास में, तो जेड इक्वल्स टू आपके पास में 330, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर है। तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा, अब तो हो गया, ये हो गया भैया, अब इसको मिटाएंगे थोड़ी हम।
देखो जी, फटाफट स्टेप को रिपीट करते हैं हम, क्या स्टेप्स चले हमारे। सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन था हमारे पास में, और हमारे पास में यहां पर सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करा, जो आपको लग रहा था उस समय कि यार बस कहानी इतना सी आसान है। तो आपने इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करा, और आपको पता है कि ये इन इक्वेशन में लेस देन मोर देन होता है। इन इक्वेशन होता है, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, तो मुझे इक्वल करने के लिए इसमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक कम पड़ रहा है, तो उस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल कहते हैं। देन दिस, और जेड में वो जो वेरिएबल स्लैक वेरिएबल उसको भी इन्वॉल्व करवाना है, बट उसमें इंपैक्ट ना पड़े, जीरो हमने कर दिया, ये कर दिया। ये तो हमने बना लिया स्टेप नंबर वन में, ये तो हम हमेशा बनाते आए हैं। इसमें हमने क्या करा, ये अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। फर्स्ट स्टेप है ऑलवेज आपके पास में जितने स्लैक वेरिएबल है वो लिख दो, वो हमेशा जीरो जीरो रहने वाला है, सॉल्यूशन उसका लिख दो, और उसके बाद फर्स्ट के आप इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, एंड स्लैक वेरिएबल जो इन्वॉल्व नहीं है उसमें वो जीरो रख दो। ये आपने बना लिया। अब आपके पास में जेड जे कैसे बनाते हो, इतना कुछ सुनने का आपको मालूम पड़ गया जेड जे कैसे बनाते हो। जेड जे के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई ऐड करके इसको, तो फर्स्ट फेसिस पे तो आपको जीरो निकल करके आएगा। देन सी जेड माइनस जेड जे कैसे निकल गया, दिस वन नहीं आया। आपने क्या करा, जब आपके पास में ये सारे के सारे आपके पास में जीरो और या नेगेटिव नहीं आता है, तो आप इसमें से एक आपकी कॉलम बना देते हो जो कि आपके पास में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सी जे माइनस जेड जे होता है। ये की कॉलम बनाया आपने, इस की कॉलम को उठाया और यहां से एक रेशो निकाला। कैसे निकाला, की कॉलम सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड करा, रेशो आया, और ये आपके पास स्लैक वेरिएबल तक ही रेशियोस निकालते हैं। निकाला रेशो, रेशो में जो लीस्ट वैल्यू थी आपकी उसको पकड़ा और यहां से आपने रो बना दिया, तो की एलिमेंट आपके पास में आ गया। ये चीज आपको कर लेनी होती है, रेशो निकाल करके आपके पास में रो आ जाता है और आपके पास में यहां से कॉलम आ जाता है, की एलिमेंट आ जाता है। अब आगे आप टेबल जब बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि इसके जो सामने वाला है यहां पर चीजें चेंज होंगी, बाकी दो आप सेम चिपका सकते हो। सिर्फ इस सेक्शन को भी आप बॉडी के अंदर जाकर सॉल्व मत करना, सिर्फ इस सेक्शन की मैं बात करता हूं। तो आगे मैं गया तो मुझे मालूम है यहां पर चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इसके सामने वाला जो है कॉलम में 30y वो यहां आ जाएगा, 30y लिखा हुआ या हट जाएगा, तो बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने यही करा कि बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं करा, यहां 30y हो गया। अब सवाल था कि जो चेंज हुआ है उसका बाकी का पूरा कैसे हम ग्रीन कलर वाला डिसाइड करें, क्योंकि एलिमेंट ने क्या करा, अपने सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा आपके पास में ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर बन गया तो अब बाकी का दो कहां से लाएंगे, जैसे ये वन वाला टू वाला, तो इसमें क्या दिक्कत है, वन वाला कहां से आएगा आपका, टू वाला कहां से आएगा। अगर मैं वन वाले की बात करूं बच्चे, तो जो पहले वन वाला था वो क्या था, जो पहले वन वाला था वो क्या था, पहले वन वाला जो था उसको लिख लिया दिस वन, और उसमें से ग्रीन वाला माइनस कर दिया, और आप ने कौन सा लिखा, फर्स्ट वाला डिसाइड कर रहे हो ना, तो फर्स्ट का आपके पास में, फर्स्ट वाला डिसाइड कर रहे हो आप, तो फर्स्ट का आपके पास में आपके की कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले के लिए सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले फर्स्ट वाला डिसाइड कर रहे हो ना इसका फर्स्ट रो, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तीन 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 से रिजल्ट आ गया, सजा दिया यहाँ पर। सेकंड वाले के लिए भी हमने क्या करा, पिछला वाला उठाया और ये वाला ग्रीन वाला लिखा और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास में जेड जी का कोई नया तरीका नहीं है, जो पहले हमने बनाया था वही तरीका है। क्या कि आपके पास में अगर आपको जेड जे आपको बनाना है तो ये आपका मल्टीप्लाई 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 ऐड करके लिख देंगे। बना दिया सी जे माइनस जेड जे जो पहले करा था हमने वही करा, यहाँ पे एक वैल्यू आपकी नहीं आई तो फिर से हमने वही खेल स्टार्ट कर दिया, वही चीज कंटिन्यू आपकी चलती रही। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई। एक क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसके स्टेप्स को माइंड में आप मेमोराइज कर लीजिए, इसके स्टेप्स क्या है। आप ध्यान से पहले आपको क्या करना है, बैठना है, आपको इस चीज की तरफ देखना है कि भैया स्टेप नंबर वन में क्या लिखेंगे दिमाग में, फिर स्टेप नंबर अपने आप से बातें करना है, स्टेप्स को अपने पास में रखना है, फिर खुद पूछना है स्टेप नंबर वन में स्टेप नंबर टू में। आप डिजिट मत याद कीजिए ना, स्टेप्स याद कीजिए, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास में ये होता है, तो ऐसे दिमाग में आएगा, फिर अपने आप से पूछो, जब होगा तो फिर क्वेश्चन करके देखो, ऐसी ही होंगी चीजें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इतना लंबा गया भैया, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, अगली क्लास में। मैं आपको एक दो सवाल प्रीवियस ईयर का करवा, एक दो वेरिएबल का करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में करवा दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे इक्वेशंस वगैरह बना देना है, उसके आगे सॉल्यूशन तो सेम ही जाना है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिंप्लेक्स मेथड को मैं जो है वाइंड अप कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर जो एक दो मेथड बचे हुए हमारे पास हम वो पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैंने प्रेजेंट करा है इसके आंसर को, वैसे आपको प्रेजेंट करना है। आप अलग अलग कलर का यूज तो कर नहीं सकते, आप अपने एक ही कलर से आप इसको, आप पे ब्लू पेन होगा, ब्लू पेन से करेंगे। ठीक है,
ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझसे पूछने का तरीका ये रहता है कि भैया मैं MWF में शाम को 6 बजे फ्री हूँ अभी, तो MWF में शाम को 6 बजे अगर आप उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, तो मैं आपके जो है डाउट्स को ले पाऊंगा। दिन में क्या होता है कि अगर मेरे पास अभी बच्चे, इको वाले बच्चे मुझे अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैच वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं आपकी क्लास में हूँ। इसी तरीके से जब मैं किसी क्लास में होता हूँ, आप मैसेज करोगे तो मैं मैसेज देख करके भी रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। तो शाम को 6 से 7 में MWF में फ्री रहता हूँ, तो उस समय आपके मैसेज देख करके मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वर्किंग शो करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज रख सकते हो जैसे मैंने रखा है। वर्किंग में आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेकार में कुछ ना कुछ उठाड़ा के रख दोगे, वर्किंग शो मत कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर उनसे ले लीजिएगा, टीम से, टीम के पास में है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखूंगा तो यूट्यूब पे भी चला जाएगा, यूट्यूब से फिर मैं पूरे दिन रहूंगा परेशान। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जैसे हमने सेकंड टेबल बनाया था ना, वैसे ही हमें लास्ट टेबल बनाना है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अब इसी तरीके से बनाना है हमें।